दिवाली और छठ पर्व पर पोस्टर के जरिए दी गई शुभकामनाओं के साथ एक नया पोस्टर भी सामने आया है। यह पोस्टर अक्सर वहां लगाया गया है जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने दीपावली और छठ की शुभकामनाओं के पोस्टर लगाए हैं। अब गौर से देखिए इस पोस्टर को, जो इसमें लिखा है आप खुद पढ़कर समझ जाएंगे कि उस पोस्टर का क्या मतलब है। पोस्टर के नीचे जनहित में जारी लिखा है ताकि पोस्टर लगाने वाले का पता न चल सके। इस पोस्टर को लेकर भाजपा उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष अजय महावर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ, तो मुझे पता नहीं किसने निकाला, लेकिन वो ठीक निकाला ना। 4.5 साल तक जो आदमी कहता था कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, जो कहता था एमपी मुझे काम नहीं करने दे रहा, जो कहता था मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा, जो कहता था केंद्र मुझे काम नहीं करने देता, आज तो वो केंद्र में मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी ज़्यादा एमपी लेकर आ गए, एमपी साहब ज़्यादा वोट से जीत कर आ गए, एलजी वहीं बैठे हुए हैं। तो हाथ किसने बांधे थे और किसने खोले हैं, इसका जवाब तो जनता पूछ रही होगी, तो जवाब तो देना पड़ेगा केजरीवाल जी को कि भाई वो अचानक कौन सा उनके पास बिल आ गया जिससे उनके हाथ खुल गए, और कौन सा ऐसा बिल आ गया था जो बांधे हुए थे। इसका मतलब वो या तो 4.5 साल झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्टर इलाके में खासा चर्चा का विषय बन गया है, लोग शुभकामनाएं कम इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी सुभाष मोहल्ला के निगम पार्षद रेखा त्यागी ने कहा कि पोस्टरबाजी करने के बजाय सामने आकर बात करें। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी। उस पोस्टर में यही सब चीजें नजर आ रही हैं कि करना धरना तो कुछ है नहीं इन लोगों को, और पीठ पीछे वार करने की इनकी आदत है। अरे अगर कोई बात है, कुछ कहना है या किसी तरह की कोई परेशानी है तो खुल के उसको सामने आए। चोरों की तरह क्यों पोस्टर पे बिना नाम लिखे जनहित में जारी पोस्टर सड़कों पे चिपकाने का काम कर रहे हैं। खुल के उस सवाल जवाब करें, सामने आए, मीडिया के सामने आए, आके बातचीत करें। बातचीत के माध्यम से सारी चीज़ें हल होती हैं। पूछें वहाँ पे बैठ के कि दिक्कत क्या है आप लोगों को। ये तो खाली ढकोसले इनके, वही जो पुरानी इनकी आदतें पड़ी हुई हैं, करना धरना कुछ है नहीं। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार कामों की झड़ी लगा रखी है पिछले 4.5 साल से। ये उससे डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इन्हें पता है कि दिल्ली की 70 की 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी की झोली में जाने वाली है। जिस तरह से इस पोस्टर के माध्यम से दिवाली व छठ पर्व के अवसर पर जनता को संदेश देने की कोशिश की गई है, वहीं इस नए पोस्टर ने जनता में खलबली भी मचा दी है। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।